श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, आज जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, सबसे बड़ी समस्या हमारे घर में यदि किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति है, पति पत्नी में अनबन है, आप यह उपाय करते हैं, शीघ्र तुरंत आपको अपने रिश्तों में सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। आपको बहुत ही छोटा सा उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ, बहुत ही छोटा सा उपाय है, आज के दिन करना है, और यदि संभव है तो आप शाम को करें प्रदोष काल में, यदि नहीं तो आप किस दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। आपको एक तांबे का कलश लेना है, ये शनिवार, क्योंकि शनिवार को जो 7 जनवरी को शनिवार पड़ रहा है, उसे आशुतोष शनिवार का नाम लेकर और जो ये कार्य करना है आपको, ये उपाय करना है आपको, एक तांबे का कलश ले लें और लाल चंदन, लाल चंदन यदि आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो पाउडर वाला आप उपयोग में ले सकते हैं, नहीं तो आप यदि आपके पास लाल चंदन की जो लकड़ी आती है वह है तो आप उसको घिस के थोड़ा सा रख लें, और तांबे के कलश में जल, स्वच्छ जल भरें, उसके बाद कलश पर जो आपने लाल चंदन लिया है उसका तिलक करें, छोटा सा निशान लगाएं, और जो आपके पास महादेव का मंदिर है उसमें जाएं, और शिवलिंग पर आप उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस, उत्तर दिशा की तरफ करना है, डायरेक्शन उत्तर दिशा की तरफ करना है, और सिर्फ इतना करना है आपको कि आप आशुतोष भगवान का नाम लेके प्रभु का स्मरण करते हुए, यदि आपके पति पत्नी में संबंधों में कुछ दरार आ गई है, कोई रिश्ते मधुरता खत्म होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है, कोई अनबन है, कोई तनाव की स्थिति है, तो यदि आप महिला हैं तो पुरुष का नाम लेकर, अपने पति का नाम लेकर, और यदि आप पुरुष हैं तो आप अपनी पत्नी का नाम लेते हुए और भगवान से विनती, भोलेनाथ से विनती करते हुए कि मेरी जो संबंध है उसमें सुधार आ जाए और हम दोनों में वापस फिर से प्यार हो जाए, फिर से जो तनाव की स्थिति है समाप्त हो जाए, ये विनती करते हुए आप धीरे धीरे आपको उस कलश से जल समर्पित करना है और वापस विनती कर अपने घर आ जाना है। आप देखना, आपको तुरंत इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप जैसे ही घर पहुंचते हैं आपको कहीं ना कहीं मधुरता आना शुरू हो जाएगी, कर देंगे, लेकिन विश्वास के साथ जो कार्य आप, जो उपाय विश्वास के साथ करते हैं वह तुरंत आपको असर दिखने लगता है। कर देखें, आप पर और आपके पूरे परिवार पर प्रभु भोलेनाथ की कृपा, आशुतोष प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।